गुरुग्राम के श्री माँ वैष्णो देवी दरबार गढ़ी हरसरू में श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। परम पूजनीय माता पूनम जी द्वारा मंदिर प्रांगण में भव्य आयोजन कराया गया। आयोजन की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। इसके बाद मंदिर से या संचालिका डॉक्टर अलका शर्मा ने भक्तों को संबोधित किया। डॉक्टर साहिबा ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि माता पूनम जी मेरी गुरु भी हैं और मेरी माँ भी हैं। आज मैं जो भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। उन्होंने भक्तों को चेताते हुए कहा कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए, तभी हमारा समाज ठीक रहेगा। इस मौके पर बोधराज सीकरी ने भी मुंबई से संगत को फ़ोन पर संबोधित किया। उसके बाद कंवर भान वधवा धर्मेंद्र बजाज ने अपना संबोधन दिया। इसके अलावा रामलाल ग्रोवर व सनातन धर्म सभा के प्रधान सुरेंद्र खुल्लर ने भी मंदिर गढ़ी हरसरू व माता पूनम जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इसके बाद मंदिर के संस्थापक पूजनीय माता पूनम ने भी शुभ आशीर्वाद दिए और जगत के कल्याण की मंगल कामना की। इसके पश्चात आरती और प्रसाद वितरित किया और अटूट लंगर भी कराया गया। इस मौके पर समाज की गणमान्य शख्सियत केशर दास ग्रोवर, धर्मेंद्र बजाज, रमेश कामरा, ओम प्रकाश कालरा, सुरेंद्र बजाज, द्वारकानाथ, ओम प्रकाश गावा, श्रीमती ज्योत्सना बजाज, श्रीमती रचना बजाज, श्रीमती ज्योति वर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आग लगी थी लंका में, हमने भी जो अंकल सबने बोला आपने भी बोला, तो हम लोग एक चीज़ कभी कभी दिमाग में आती है कि लंका तो खुद रावण ने बसाई थी जिसका विश्वकर्मा जी ने की, तो फिर उसमें आग क्यों लग गई। उसका एक मुझे जो समझ में आता है, जब सब वास्तु अच्छा है, उसमें रोज पूजा पाठ होती है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए था। जिस दिन रावण ने माँ सीता का हरण किया था उस दिन उसकी नींव रखी गई थी कि अब ये हमने जो अपना भाग्य है उसको खराब कर दिया, हमने अपनी पूजा पाठ खराब कर दी। तो इसमें मुझे समझ में आया कि हमें अपने कर्मों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा एक छोटा सा कर्म जो है वो हमारी पूरी ज़िंदगी को पलट के रख देता है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने कर्मों को हम रोज सुबह और शाम चेक करें, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। अगर हुई है तो उसके अंदर हमारे को इतना ताकत होनी चाहिए कि हम उसको ठीक करें नेक्स्ट टाइम। और हम लोगों को लगता ही है कि हमें हमसे कोई गलती हुई है, मगर हमें हम दिन रात सारा दिन गलतियाँ करते हैं। और जब भी हम किसी भी कथा कीर्तन में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ सीखनी चाहिए, जो भी व्यासगढ़ी में बैठते हैं वो सिर्फ हमें कर्म अच्छे करने के लिए बोलते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि सबको अपने अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वो सुखमय रहे और हमारे बच्चे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।